जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का स्वागत है विजयपथ एजुकेशन की पेड क्लासेस में। आज हम रीजनिंग के सबसे पहले चैप्टर सीरीज के ऊपर आज हम क्लास लेके आए हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से सीरीज के सभी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्लास आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और जो भी फ्रेंड आपके तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप अपनी पेड क्लासेस को ज्वाइन करके घर बैठे ही अपनी तैयारी जो है वो आप कर सकते हैं। तो रीजनिंग का पहला जो हमारा टाइप है नंबर सीरीज का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन के ऊपर हम जाएंगे। जो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं उनकी सीरीज आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले नंबर सीरीज की बात करते हैं कि नंबर सीरीज होती क्या है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पजल हो जाते हैं कि नंबर सीरीज है तो कुछ टफ जैसा क्वेश्चन जो है वो आया होगा, तो हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए नंबर सीरीज क्या है, सबसे पहले उसको जानते हैं। नंबर सीरीज जो है, सीरीज का मतलब है कोई चीज़ कॉन्टिन्यू वे में चल रही है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एक, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे तीन, फिर लिखा मैंने पाँच, फिर लिखा सात, और आगे ये क्या करती जाएगी, सीरीज जो है वो चलती जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे जब भी कोई एक सीरीज, कोई एक चेन चलती है तो उसका कुछ ना कुछ क्या रहता है, पैटर्न रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या रहता है, पैटर्न उसका कुछ ना कुछ रहता है। मतलब कोई ना कोई एक फिनोमिना उसमें कंटिन्यू वे में चलता है। कोई गैप का फिनोमिना हो सकता है, कोई एक फिक्स सीक्वेंस हो सकती है, प्लस माइनस का केस हो सकता है। तो वो चीज़ आपको सोचनी है अपने दिमाग से। बिल्कुल छोटे छोटे लेवल से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप 10 या 12 क्वेश्चन के आगे पहुंचेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके दिमाग ने उस सीरीज को जल्दी से कैच कर लिया कि उसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। ज़्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि टीचर ने हमें क्वेश्चन तो करवा दिया लेकिन उसमें पैटर्न उन्होंने कैसे ढूंढा, यही हमें पता नहीं चला। जैसे अगर मैं उनको कोई पैटर्न बता देता हूँ तब तो वो समझ जाएंगे, लेकिन जब वो एग्जाम में बैठे होते हैं तो उनका माइंड पजल हो जाता है कि अरे हमें तो पैटर्न समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए उसके कुछ ना कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे दो, फिर मैंने लिखा चार, फिर लिखा मैंने छः, फिर लिखा आठ, और फिर आ गया गैप। तो यहाँ पे आप प्लस का गैप, प्लस का पैटर्न लगा सकते हैं, इवन का पैटर्न आप लगा सकते हैं, जिसको हम सम संख्याएं बोलते हैं। देखिए दो, और हर बार आपको चेक क्या करना है, गैप चेक करना है। गैप से 99% क्वेश्चन जो है वो आपके गैप से ही क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। जैसे दो और दो कितने, चार, फिर चार और दो कितने, छः, छः और दो कितने, आठ। तो यहाँ पे पैटर्न क्या मिल रहा है, सब में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस टू प्लस टू प्लस टू कर रहा हूँ, तो आगे भी क्या करूँगा, प्लस टू करूँगा, तो आठ और दो कितने, दस हो गए। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, इन पैटर्न्स को क्या कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं। अब इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगा आपके साथ, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स रहती हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, दो चार आठ सोलह बत्तीस, आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, हर बार आप गैप को तो जरूर चेक करें, लेकिन ये मैं आपको दूसरा पैटर्न बता रहा हूं। दूसरा पैटर्न में क्या है, अगर स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू लास्ट वैल्यू, देखिए दो और बत्तीस में जो है वो ज्यादा गैप है, ज्यादा गैप है, तो हमेशा जो है वो आपका ज्यादातर रूल चलता है मल्टीप्लाई का, मतलब कि गुणा का ही रूल वहां पे अप्लाई होगा। दो को मैं दो से गुणा करता हूँ, चार चार को दो से गुणा किया, आठ आठ को दो से गुणा किया, सोलह सोलह को दो से गुणा किया, बत्तीस, तो पैटर्न क्या मिला, सब में मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई टू कर रहा हूँ, तो बत्तीस को दो से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, चौंसठ, तो 64 हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड टाइप की मैं बात करूंगा,
तीसरा टाइप है जब हम किसकी बात करते हैं, स्क्वायर या फिर क्यूब की बात करते हैं। तो इसमें आपको स्क्वायर या क्यूब जो है वो लगभग 20 तक जो है वो आपको आने चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 36 लिख दिया, 49 लिख दिया, 64 लिख दिया, 81 लिख दिया। तो इन क्वेश्चन में आपको गैप निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके माइंड ने आपको क्या बता दिया कि ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर चले हैं। 36 है 6 का स्क्वायर, फिर 49 7 गुणा 7, 64 होता है 8 गुणा 8, 81 है 9 गुणा 9। तो पैटर्न क्या मिला, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो अगला ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो क्वेश्चन की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रहेंगे तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करना सिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आपको जो है वो एक अलग से नई एक कॉपी लगानी है। जो भी हमारी पेड क्लासेस आपको मिलेंगी, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि जो भी चैप्टर मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको अपने लिए जो है वो खुद से नोट्स बनाने होंगे। हमारी जो क्लास रहती है वो लगभग 45 मिनट के आसपास रहती है। डेली जो है वो आपको यहाँ पे पेड क्लासेस मिलेंगी। विजयपथ ऐप आप डाउनलोड करें, अपने फ्रेंड्स को भी आप बताएं, जिसमें आप पेड क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपकी सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते चलना है। वीडियो को आप प्ले करें, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने रखा, आप एक बार खुद से उस क्वेश्चन को उस कॉपी में लिखें, उसको ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो इसका आंसर आप यहाँ पे चेक करते चलें। यहाँ पे आप वीडियो को जो है वो पॉज करके रिज्यूम करके देख सकते हैं। साथ में अगर आपको चैप्टर थोड़ा सा इजी लगता है तो वीडियो को आप स्पीड के थ्रू भी जो है वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, तो क्वेश्चन है आपके पास क्या है, 49, उसके बाद है 46, उसके बाद है 43, फिर है 40, फिर है गैप और है उसके बाद 34। आप देख सकते हैं सीरीज क्या कर रही है, पीछे जा रही है। पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर छोटी छोटी, तो इस तरीके से वापस जा रही है। तो आपको गैप हर बार चेक करना है। अगर गैप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम किसी और दूसरे मेथड को अप्लाई करेंगे। तो 49 में से 46 चले गए, कितने बचे, 3। 46 में थे 43, 3 बचे। 43 में से 40 चले गए, 3 बचे। तो आपको पैटर्न यहीं पे मिल गया, सब में कितना कितना पीछे जा रहे हैं, 3 3 पीछे जा रहे हैं। तो 40 से भी 3 पीछे जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 में से 3 चले गए 37, और 37 में से अगर 3 जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 34 हमारे पास फिट हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 37 आएगा। अगला प्रश्न है, अब इस क्वेश्चन को आप जब ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपके पास वैल्यू स्टार्टिंग की छोटी है और लास्ट वैल्यू वैल्यू उसके कंपैरिजन में काफी बड़ी है। तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग की वैल्यू काफी बड़ी है, 1700 के आसपास है, और लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, 216 है। तो इसका मतलब हर बार क्या होता है, गुणा का उपयोग किया जाता है, या फिर गुणा का अपोजिट आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, डिवाइड का उपयोग भी आप कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई टू का। इस सीरीज को जिस तरीके से भी आप अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। 216 को 2 से गुणा करूंगा 432 आएगा, 432 को 2 से गुणा करूंगा 864 आएगा, 864 को 2 से गुणा करूंगा 1728 आएगा। तो पैटर्न क्या चला है, मल्टीप्लाई टू का। तो मैं किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं गुणा 2 से कि 216 आए, तो कौन सी वैल्यू होगी, 108 होगी। 108 का डबल कितना, 216, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 1728 को 2 से भाग किया तो 864, इसको 2 से भाग किया 432, 432 को 2 से भाग किया 216, 216 को 2 से भाग किया तो 108। तो आंसर क्या आ गया, 108 हो गया। आपको जो है वो साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते चलना है। अगला प्रश्न है, 46, 41, 35, 30, फिर गैप 19 और 13। आप हर बार क्या करें, पैटर्न को चेक करें, हर बार आपको गैप को चेक करना है। देखिए, स्टार्टिंग की वैल्यू 46 है, लास्ट वाली वैल्यू 13 है,
तो ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि सेम सीरीज में रहा, 1000-2000 का फर्क तो है नहीं, ना तो 100 का डिफरेंस है दोनों में, 15-20 का डिफरेंस है, तो छोटी छोटी वैल्यू का गैप होगा। 46 में से कितने कम करूं, 41 आए तो 5 कम करने पड़ेंगे, 41 से 6 कम करूंगा तो 35 आएगा, 35 से कितने कम करूंगा, 5 कम किए 30 आएगा। अब 30 से कितने कम करूं तो वैल्यू मेरे को पता नहीं है, इस क्वेश्चन मार्क से कितने कम करूं कि 19 आए ये भी पता नहीं है, 19 से कितने कम करूं कि 13 आए तो ये तो मेरे को पता है, 19 से 6 चले गए तो 13 आए। अब पैटर्न मेरे को जहां तक मिल रहा है उस चीज को मैं अप्लाई करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना है, -5, फिर कितना है -6, फिर -5, तो यहाँ पे हो सकता है -6 हो, यहाँ पे -5 हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो गया -6, तो यहाँ पे 30 में से 6 जब जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 24, और 24 में से 5 जब जाएंगे तो आंसर आएगा 19, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, 24 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। -5 -6 -5 -6 का पैटर्न यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अगला प्रश्न है, आप इसको देखें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे दिया गया है 14 17 21 24 28 और 31, धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है हमारी, आगे जा रही है। यहाँ पे आप देखें धीरे धीरे वैल्यू हमारी आगे जा रही है, 14 और कितने 3 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31, और पैटर्न क्या मिला, +3 +4 +3 +4, तो अगला क्या होगा, +3 +4, 31 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे, 31 और 4 हो जाएंगे 35, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 35 रहेगा। क्वेश्चन आपके इसी लेवल के जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसको भी आप ट्राई करें, हर बार आपको गैप जो है वो जरूर चेक करना है। 108 में से 4 चले गए, 104, फिर -4 का पैटर्न गैप लगा, 100 में से 4 चले गए 96, 96 में से 4 चला गया 92, तो पैटर्न क्या मिल रहा है सब में, -4, तो 92 में से जब 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 88 बचेंगे, तो राइट आंसर क्या आएगा, 88 हमारे पास सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है 9 13 18 24 31, ये क्वेश्चन है, तो आप यहां पे देखें 9 और कितने 13, 9 और 4 कितने 13, फिर 13 और 5 कितने 18, 18 और 6 कितने 24, 24 और 7 कितने 31, तो 31 और 8 कितने 31, और 8 हो गए 39, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 39 हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कौन सा पैटर्न चला है, +4 का, +5, +6, +7, तो अगला ऑटोमेटिकली क्या चलेगा, +8, +9, +10, ये सीरीज ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। अगला प्रश्न है आपके पास, इसमें भी आप गैप को जरूर चेक करें क्योंकि छोटी छोटी गैप दिया गया है यहाँ पे। 192 में से अगर मैं 6 कम करता हूँ 186 आएगा, 86 में से 6 चले गए 80, 80 में से 6 चले गए 74, 74 में से भी कितने जाएंगे, अब 6 ही जाएंगे, क्योंकि अगर पीछे -6 का पैटर्न है तो आगे भी -6 का पैटर्न होगा, और 174 में से 6 चले जाने पे आंसर कितना आता है, 168 आंसर आता है। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते चलना है। नंबर सीरीज की हमारी मिनिमम 4 to 5 क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम नंबर सीरीज साथ में अल्फाबेट सीरीज, मिक्स सीरीज, जितने भी टाइप हैं उन सभी को हम कवर करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कहीं ना कहीं पे पता चल रहा है कि स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी है और लास्ट वाली वैल्यू काफी बड़ी है। देखिए अगर आप गैप को चेक करेंगे तो 700 से ज्यादा गैप जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हर बार जब मैंने आपको बताया कि गैप काफी ज्यादा हो तो किसका पैटर्न यूज किया जाता है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का पैटर्न हम यूज कर सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई मैथड यूज करना है।
कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जुगाड़ लगाना है कि मैं 9 को 28 कैसे बना सकता हूँ, मैं 28 को 86 कैसे बना सकता हूँ, उसके बाद 261 कैसे बनेगा और 787 जो है वो कैसे बनेगा। तो देखिए 9 को किससे गुणा करूं कि 28 आए या 28 के आसपास आए, तो 9 तेया कितने 27, 27 तक तो मैं पहुंच गया। अब 28 तक जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अब मैं आगे आऊंगा, 28 को मैं किससे गुणा करूं कि 86 आए या फिर उसके आसपास आए, तो 28 को जब मैं 3 से गुणा करता हूं तो 8 तेया 24, 84 आएगा, और 84 और 2 कितने 86, ठीक है ये बात भी हो गई। अब 86 को मैं किससे गुणा करूं कि 261 के आसपास या फिर 261 ही वैल्यू आए, तो 86 को मैं गुणा करता हूं जैसे 3 के साथ, गुणा कर दिए मैंने 3 के साथ, 6 तेया 18, तो ये आएगा 258, 58, 59, 60, 61, तो मतलब कि मेरे को 3 आगे ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे पैटर्न जो है वो देखने को मिल गया। सब में मैं क्या कर रहा हूँ, ×3 तो कर रहा हूं, लेकिन पहले में मैंने +1 किया, फिर +2, फिर +3, तो अगले में ऑटोमेटिकली क्या होगा +4, और जब गैप की वैल्यू आएगी तो मैं क्या करूंगा +5 करूंगा। तो 787 को मल्टीप्लाई 3 करो कितना आएगा, 7 तेया 21, तो ऊपर जाएगा, 8 तेया 24 और 2 26, 2 कैरी, 7 तेया 21 और 2 23, तो +5 कर देंगे कितना आएगा, 2 3 6 और 6, 2 3 6 6, ऑप्शन ए हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको जो है वो पता चल रहा है कि स्टार्टिंग की वैल्यू 152 है, लास्ट की वैल्यू 212 है, तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 का डिफरेंस है, तो इतनी बात तो चल पड़ेगी। तो 152 और कितने 164, तो 12 12 24, तो +12 का पैटर्न, 164 और 76 4 2 6 ये भी 12 का गैप, 76 6 और 2 8 ये भी 12 का गैप, तो आपको पैटर्न मिल गया। सब में मैं 12 12 आगे जा रहा हूँ, तो इसमें भी 12 आगे जाऊंगा, 188 और 12 कितने, 188 और 12 कितने हो गए 200 हो गए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप देखें, 17 और 2 कितने 19, 19 20 21 22, मतलब कि 3 22 और 2 24, 24 और 3 27, तो पैटर्न क्या मिला, पहले +2 फिर +3, +2 +3, तो अगला फिर क्या होगा +2 होगा, तो 27 और 2 कितने 29, तो आंसर क्या आएगा 29 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके पास है, इसको भी आप करें, 14 और कितने 18, 14 और 4 18, 18 19 20 21, 3 21, 21 और 4 25, 25 26 27 28, मतलब कि 3, तो पैटर्न मिल गया, +4 +3 +4 +3, तो अगला +4 होगा। आपको एक यूनिकनेस लेके आनी, हर बार आपका पैटर्न जो है वो कई बार एक सीक्वेंस में चलता है। पैटर्न है क्या, आपका जो गैप है या पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे +1 +1 +1 +1 +1, मतलब कि सभी में +1 चला है, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे +1 +2 +3 +4 +5, एक सीक्वेंस चली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे +1 +2 +1 +2 +1 +2, कुछ इस तरीके से सीक्वेंस हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है जैसे -1 -2 -3, लेकिन आपका पैटर्न कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी मैं +1 कर रहा हूँ, कभी मैं +5 कर रहा हूँ, फिर मैं +11 कर रहा हूँ, फिर -6 कर रहा हूँ, फिर मैं +8 कर रहा हूँ, तो ये कोई पैटर्न नहीं है, एक सीक्वेंस नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा पैटर्न होगा उसी तरीके से हमें अप्लाई करना होगा, तो 28 और 4 कितने हो जाएंगे 32, तो राइट आंसर क्या आएगा 11th क्वेश्चन का, 32 हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं खुद, कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई का रूल चलेगा, स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी है और लास्ट वाली वैल्यू 1000 के आसपास है, तो 1000 का गैप मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं, मैंने लिखा 2 3 10 39 गैप और 1175, तो
तो मैं मल्टीप्लाई का यहाँ पे कोई ना कोई मेथड ढूंढूंगा। दो को मैं दो से गुणा करता हूँ, कितना आएगा, चार, और चार में से मैं एक कम कर देता हूँ तो मेरा तीन बन गया। अब मैं तीन को दो से गुणा करूंगा तो छ, नहीं, तीन को मैं तीन से गुणा करता हूँ, तीन को मैं तीन से गुणा करता हूँ, नौ, नौ और एक कितने, दस। अब दस को मैं चार से गुणा करता हूँ तो चालीस और माइनस के एक, 39। तो कहीं ना कहीं पे मेरा ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू वे में चल सकता है। चेक करके देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई फोर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मल्टीप्लाई फाइव, और आगे क्या है, माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन होगा। एक बार चेक करके देखते हैं, 39 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाँच से गुणा करना है, तो 9 को 5 से करेंगे आएगा 6, एक ऊपर, सॉरी यहाँ पे आएगा 4, 15, 19, 196 और एक कितना, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, 195 और एक 196, हाँ तो 196 ऑप्शन में है, तो हमारा ये पैटर्न काम में लग जाएगा। आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जब भी किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई फाइव करना होता है तो सबसे आसान रूल है जो वैल्यू है उसका आधा करके जो है वो आप लिख दें। आधा कितना होगा, 39 का आधा कितना होता है, 19.5, और जो लास्ट का वैल्यू है वहां पे या तो अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो जीरो लगा दें, अगर वैल्यू है पॉइंट में आ रही है तो उस पॉइंट को हटा दें। ये जो है वो इसका एक आंसर रहता है। तो 195 जो है वो मल्टीप्लाई फाइव करके आएगा और प्लस वन करके 196। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी आप साथ साथ में करें, क्या राइट आंसर आएगा, 2, 5, 11, 23। इजी क्वेश्चन है, हमें देखने से पता चल रहा है, गैप का रूल भी हम यहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखेंगे आता है या नहीं आता है, लेकिन देखने से पता चल रहा है, दो और तीन कितने, पांच, पांच और छ कितने, ग्यारह, 11 और 12 कितने, 23। तो 23 यहाँ पे गैप पैटर्न क्या चल रहा है, प्लस 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 23 और 24 कितने हो गए, 47 हो गए। ये पैटर्न भी हमारा अप्लाई हो जाएगा, या फिर सबसे इजी मल्टीप्लाई का रूल आप अप्लाई करके देखें, 2 को 2 से गुणा किया, 4 और 1 5, 5 का डबल 10 और एक 11, 11 का डबल 22 और एक 23, 23 का डबल 46 और एक 47। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 47 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन दिया गया है 2, 3, 7, 16, 32 और गैप। क्वेश्चन को आप ट्राई करें क्या राइट आंसर होगा, गैप से भी आप चेक कर सकते हैं, इनटू का पैटर्न भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक बार गैप से चेक करते हैं, दो और तीन के बीच एक का गैप है, तीन और सात के बीच चार का गैप है, सात और सोलह के बीच सात सात चौदह और नौ का गैप है, और यहाँ पे सोलह का गैप है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो गैप निकल के आया है वो किसकी सीक्वेंस है, वो किसी एक स्क्वायर की सीक्वेंस है, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, तो अगला ऑटोमेटिकली पांच का स्क्वायर ही होगा, मतलब कि 25 होगा, तो 32 और 25 कितने हो गए, सात, तीन और दो पांच, 57। ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आपको साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते चलना है, तभी आपकी जो प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। अगला प्रश्न आप देखें, क्या क्वेश्चन दिया गया है, गैप को आप चेक करें क्या राइट आंसर हमारा रहेगा, तो 8 और कितने 11, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 कितने 20। तो पैटर्न तो हमें यहीं पे मिल गया, पैटर्न तो हमें यहीं पे मिल गया, इजी वाला, इन प्लस के 3 कर रहे हैं तो 20 और 3 कितने, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो रिवर्स में सीरीज जो है वो हमारी ये चली हुई है, मतलब कि बैकवर्ड में चली है,
18 में से चार चले गए, 14 आएगा, 14 में से चार चले गए, 10, 10 में से चार चला गया 6, तो 6 में से भी आगे चार ही जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप करें ट्राई, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन आप इसको लेके मान सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है आपको दो तीन चीजें जो है वो डायरेक्ट हिट करनी है अपने माइंड में। पहली है कहाँ पे इनटू का रूल लगाना है, स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी, एंडिंग की वैल्यू बड़ी, वहां पे लगेगा इनटू या डिवाइड का रूल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर गैप से क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो आपको जाना है स्क्वायर या फिर क्यूब के केस में, लेकिन स्क्वायर क्यूब आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए, आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट करने चाहिए। जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सीरीज आपके पास दी गई है 35, 50, 63 फिर 82 और 122, ये कहीं ना कहीं पे स्क्वायर के आसपास आती है। 35 किसके पास आसपास आता है, 6 का स्क्वायर मतलब कि 36 के आसपास आती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना 49, उसके आसपास आ गया 50, फिर 8 का स्क्वायर कितना 64, फिर 9 का स्क्वायर कितना 81, यहाँ पे तो गैप है, और यहाँ पे आएगा 11 का स्क्वायर यानी कि 121, इसके आसपास जो है वो वैल्यूज हमें दी गई है। तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 के स्क्वायर से एक कम किया है तो 35 आया, 7 के स्क्वायर में एक बढ़ाया है 49 और एक 50 आया, 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक किया तो 63 आया, 9 का स्क्वायर 81 तो प्लस एक किया 82 आया। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा 10 का स्क्वायर, पहले माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, 10 का स्क्वायर 100 में से एक चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 99। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चेक करें, मैं आपको जो है वो क्वेश्चन के डिफरेंट पैटर्न को अप्लाई करने की जो है वो यहाँ पे ट्राई करवा रहा हूं। बेसिकली किस किस तरीके के टाइप जो है वो आपके क्वेश्चन में बनते हैं, ये हमारी सीरीज में सबसे पहला टाइप चला है नंबर सीरीज का, इसके बाद अल्फाबेट और मिक्स सीरीज की भी हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन को जब आप ट्राई करें तो आपको यहाँ पे गैप ढूंढना है, गैप कितने का 14 और 8 कितने 22, 22 और कितने 37, 22 और 15 37, 37 और 7 और 4 11 यानी कि 24, 37 और 24 कितने 61 ये आ गया हमारे पास, 61 में से कितने आगे जाऊंगा मैं 35 आगे जाऊंगा तो आ जाएगा मेरे पास 5, 196। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मैं सब में प्लस प्लस तो आगे जा रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई एक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है मैं इनटू का रूल भी यहाँ पे अप्लाई करवा दूँ, लेकिन इनटू का रूल भी अप्लाई नहीं होगा। आप इसमें एक बार फिर से एक बार गैप लेके देखें, 8 और 15 के बीच 7 का गैप, 15, 24 के बीच 9 का गैप और इसके बीच आपका 11 का गैप, तो कहीं ना कहीं पे सीक्वेंस देखने को मिल गई, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो 11 और 2 कितने 13, तो 35 और 13 कितने हो गए 48। इसका मतलब यहाँ पे हमें आगे कितने जाना है 48 आगे जाना है, 96 और 48 कितने हो गए 96 में 48 आप ऐड करें 6, 6, 12, 13, 14, एक ऊपर जाएगा 9, 4, 10 और यहाँ पे 144। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी आप देखें क्या हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। पैटर्न को आप अप्लाई करें, 263 में कितने ऐड करूं कि 277 बने, तो प्लस 14 करेंगे, इसके बीच कितने का गैप है 277 और 290 के बीच है हमारा 13 का गैप, बिल्कुल सही। उसके बाद
290 और 10 300 और 2 302 यानी 12 का गैप। यहाँ पे 2 से 13 तक जाना तो यानी कि 11 का गैप। तो पैटर्न हमें मिल गया प्लस 14 प्लस 13 12 11, तो अगला ऑटोमेटिकली प्लस के 10, तो 313 और 10 कितने हो गए 323। ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 143, 139, फिर 134। इस क्वेश्चन को आप चेक करें, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका माइनस का पैटर्न है, रिवर्स सीरीज चली है, माइनस के 4, फिर 39 में से 34 चले गए माइनस के 5, 34 में से 6 चले गए 28 आएगा, 28 में से 7 चले गए 21, तो पैटर्न अगला क्या होगा माइनस के 8। पैटर्न मिल गया माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस के 8। 121 में से 8 चले गए तो आंसर क्या आएगा 113। ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3, 6, 9, 15, 24, 39। क्वेश्चन को आप ट्राई करें, क्या आपका पैटर्न यहां पे मिलेगा 3, 6, 9, 15, 24 और 39। तो जब आप इस क्वेश्चन को यहां पे देखेंगे ध्यान से, जब आप इसमें एक बार पैटर्न लगाने की ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 3 और 6 के बीच 3 का गैप, फिर इसके बीच 3 का गैप, फिर 9 और 15 के बीच कितने का 6 का गैप, तो 24 और 15 के बीच कितने का गैप 9 का गैप, और 24 और 39 के बीच, 39 में से जब आपके 24 चले गए तो बचे कितने 15 का गैप। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पैटर्न जो है वो देखने को कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली सीरीज तो आपकी कंटिन्यू वे में चल रही है। जैसे 3 का पहाड़ा है वो कहीं ना कहीं पे चल रहा है, 3 गुणा 2 फिर 3 फिर गुणा 5, कहीं ना कहीं पे तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सीरीज जो है वो इस जगह पे कहीं ना कहीं पे फेल हो रही है। तो कोई और पैटर्न आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें कुछ एक यूनिक पैटर्न जो है वो आपका अप्लाई किया गया है। वो पैटर्न क्या है आप इसमें देखेंगे, पैटर्न मैं आपको बताता हूँ क्या पैटर्न है आपका। पैटर्न है 3 और 6 कितने 9, वो चीज लिखी है यहाँ पे। 9 और 6 कितने 15, वो लिखे हैं यहाँ पे। 15 और 9 कितने 24, वो यहाँ पे। 24 और 15 कितने 39, वो यहाँ पे। 39 और 24 कितने हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो 39 और प्लस के 24 जब आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा 63। इसका मतलब है कि आप जो है वो इन क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 जो है वो आप इन क्वेश्चन इन सीरीज को जो है वो ऐड कर रहे हैं इस तरीके से। 3 और 6 कितने 9, फिर 6 और 9 15, फिर 15 और 9 कितने 24, फिर इन दोनों को आपने ऐड किया 15 24 39, फिर 39 और 24 कितने हो जाएंगे तो हो जाएंगे 63। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसको भी आप ट्राई करें साथ में। गैप कितने का है 46 और 10 कितने 56, तो 10 का गैप ये हमें पता नहीं है, ये भी पता नहीं होगा। ये कितने का 79 और 92 का कितना आएगा 13 का गैप आएगा शायद, हाँ 13 का, 92 और 106 का आएगा 14 का गैप। तो हमें पैटर्न देखने को मिला, यहाँ पे प्लस अगर 10 है यहाँ पे 13 है, तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। रफली प्लस 10 यहाँ पे प्लस 11 होगा, यहाँ पे प्लस 12 होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस 13 हमारा फिट हो रहा है। तो पैटर्न यही चलेगा, 56 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे पास 67। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे नंबर सीरीज के साथ ही। इस क्वेश्चन में आप देखें कौन सा पैटर्न आपके अप्लाई है। क्वेश्चन है 36, 41, 47 गैप 62 और 71। 36 और कितने 36 और 5 41, 41 और 6 47, ये तो हमें पता नहीं, ये भी नहीं पता, और 62 और 71 कितने
62 और 9 कितने 71। तो पैटर्न मिल गया, +5 +6, यहाँ पे +7 यहाँ पे +8 यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिट हो गया प्लस के 9। तो 47 और 7 कितने 54, तो आंसर क्या आ जाएगा 54 हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा अंतिम प्रश्न था आज की इस क्लास का, जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, विजयपथ एजुकेशन ऐप जिन भी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है अपने फ्रेंड्स को भी आप बताएं कि यहाँ पे आप विजयपथ एजुकेशन की पेड क्लासेस को जो है वो आप ज्वाइन करें और साथ में अपने नोट्स आप ज़रूर बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।